नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज मंगलवार के दिन हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी और रूपा मेहता की राय जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। रूपा जी, कल को हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेजी आते हुए देखी थी, आज भी देख रहे हैं वो तेजी लगातार कायम है। ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,400 के ऊपर है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6,200 के ऊपर। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड अब यहाँ से एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो चुके हैं? जिस हिसाब से जो US है रशिया के क्रूड पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुका है और अब अपना खुद का ऑयल प्रोसेस करने जा रहा है। देखिए, ग्वार के अंदर अभी फिलहाल तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रैलियो है वो काफी पॉजिटिव है और फंडामेंटल के चलते अभी एक्सपेक्ट है कि ग्वार में छुटपुट तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, मसालों में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है, मसालों में आपको क्या लग रहा है, क्या मसालों में अभी ऐसी कुछ समय तक नरमी वाला रुझान रहेगा? देखिए, जहाँ तक मसालों की बात है, मसालों में छुटपुट गिरावट आ सकती है। देखिए, अभी फिलहाल जो है ना मार्केट सारा ही वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी उठा पटक का माहौल है क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है और कभी ये अपडेट निकल कर आते हैं कि दोनों देशों में बातचीत हो रही है जिसकी वजह से कुछ ईजो आ सकता है, इस वजह से बाजारों में ट्रेंड जो है कभी तेजी का तो कभी मंदी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से उठा पटक काफी है और अभी हाल फिलहाल में मूल गिरावट मसालों में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि आगे चलकर तेजी बन सकती है, तो जो भी गिरावट आती है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गिरावट हावी होती हुई नजर आए, उस गिरावट में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कैसर की, तो कैसर देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, अप्रैल वायदा 7,300 के ऊपर है आज भी। आपको क्या लगता है कैस्टर में अब यहाँ से 7,500 के ऊपर के लेवल्स कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, कब तक एक्सपेक्टेड है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बाजार काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 7,500 के आसपास भी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट आपकी नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर जो रेंज बन चुकी है 7,000 से लेकर 7,500 के आसपास फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि 7,500 का लेवल अगर बनता है यहाँ पर 7,500-7,750 के ऊपर की तेजी बनी रहे तभी मार्केट में तेजी बन सकती है और वो सबसे आपको 15 दिन तक ये लेवल देखने को मिल जाए। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज देख रहे हैं कि आज भी 3100 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कॉटन में जो तेजी लौट के आई है लेकिन बिनौला खल में कुछ ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अब जो यहाँ पे जो प्राइजेज हैं वो कूल डाउन हो चुके हैं और एक सीमित दायरे में ही है। पहले जो बात कही जा रही थी कि बिनौला खल का जो वायदा बाजार है 4,000 या उसके भी पार जा चुके जा सकता है, अब वो जो लेवल से कहीं ना कहीं खो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अब इससे ज्यादा तेजी नहीं दिखाएगा? देखिए, बिनौला खल में फिलहाल अखिलेश मुझे तेजी नहीं लगती है, मुझे लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, रेंजबाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए कॉटन को लेकर, कॉटन में इन लेवल के ऊपर बाइंग नहीं करना चाहिए। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब वीट की, गेहूं की, तो हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस के चलते अपने अपने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने एडिबल ऑयल का लगाया है, US ने बहुत सारे कमोडिटीज का लगा दिया है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और इसमें नाइजीरिया भी है, हंगरी ने अपने ग्रेन्स पर लगाया है, रशिया यूक्रेन से भी पहले ही हम देख चुके हैं कि वहाँ से भी एक्सपोर्ट प्रभावित है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर सप्लाई और डिमांड का मिसमैच बनता है वीट के अंदर, जो कि हम इसमें और अभी भी देख ही रहे हैं, अगर ये मिसमैच और ज्यादा गहराता है तो वीट की कीमतों में अभी और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? फिर देखिए, अगर ज्यादा मिसमैच होता है तो थोड़ा बहुत बाजार जो है वो ऊपर जा सकता है, ऑलरेडी हमने तेजी आते हुए देख ली है और यहाँ पर भी प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो अगर तेजी बन सकती है यहाँ से 100-200 पॉइंट का एक अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने एक हल्की सी स्लिप आती हुई देखी, हल्की सी डिप मिली है सोयाबीन के अंदर NCDX पर और US सोयाबीन वायदा भी थोड़ा स्लिप हुआ है, 1650 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है, बल्कि पहले $1,680 के आसपास था। आपको क्या लगता है, सोयाबीन में जो नरमी आई है फंडामेंटल तेजी रहने के बावजूद भी, तो क्या यहाँ पर अभी खरीदारी करके चला जा सकता है? देखिए, सोयाबीन में ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लेकिन बाजार बहुत ज्यादा तेजी से जा नहीं रहा है, सीमित दायरे में फंसा रह गया है।
ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे एग्री के लिए आज आप? देखिए मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर ग्वार के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। फिलहाल ग्वार जो है वो पॉजिटिव है, ग्वार के साथ साथ मसाले, ये दोनों कमोडिटीज में ही बाइंग में रहना चाहिए, इन दोनों के अंदर तेजी बन। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी रह सकती और रूपा मेहता की उस पर क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इंजॉयगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।